हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग लोगो सीखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा इंस्टा का लोगो। अगर आप लोग कोरल ड्रॉ में डिजाइन करना चाहते हो तब कैसे करें। जो लोग डिजाइन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूं जिनको आप वॉच कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंस्टा का लोगो कुछ ऐसा डिजाइन करने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कंट्रोल एन करके नया एक पेज लेते हैं एंड इसी पेज में हम डिजाइन करेंगे दोस्तों। ओके, तो बारीकी तो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक रेक्टेंगल टूल लेना है, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल से। तो आपको कंट्रोल के साथ, किसके साथ दोस्तों, कंट्रोल के साथ कुछ ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपको लेना है शेप टूल को दोस्तों। मैंने लिया शेप टूल को। अब लेने के बाद ये जो नोड दिख रहे हैं, किसी भी एक नोड में क्लिक करके इस कॉर्नर को आपको रोटेट कर लेना है दोस्तों, कुछ इतने में रोटेट कर लेना है। अब इसके बाद लेना है पिक टूल को। अब इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिए। तो इसमें करना क्या है, आपको प्लस बटन को क्लिक कर देना है, डुप्लीकेट बन जाएगा। अब उठा के साइड कर दो, तो ये देखिए डुप्लीकेट जो मैंने साइड में कर दिया। अब इसमें हमको कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपने, अगर इंस्टा आपने कभी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि इंस्टा के लोगो में मल्टीपल कलर फिल होते हैं। तो ऐसा हम कुछ कलर फिल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मतलब नीचे की ओर एक टूल होता है जिसका नाम इंटरेक्टिव मेस फिल टूल, इसी का हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया यहाँ पर देखिए चार बॉक्सेस बन चुके हैं। अगर आप क्लिक कर रहे हैं और चार बॉक्स नहीं बन रहे, इसका मतलब कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। तो यहाँ से आपको सेटिंग को सुधार लेना है। क्या करना है, यहाँ पर दो दो लिख के इंटर कर देना, तो यहाँ पर देखिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली लाइन आ जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर कुछ नोड भी दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा जूम करके देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर नोड है, और इन्हीं नोड में आपको कलर फिल करना है। तो जैसे जैसे मैं कलर फिल करूंगा, सेम उसी तरह आपको भी कलर फिल करना है। तो प्लीज यू फॉलो मी। तो सबसे पहले हम इस वाले टूल में क्लिक करेंगे नोड में, एंड इस वाले में मैं ब्लू कलर फिल करूंगा दोस्तों, ब्लू कलर। एंड इस वाले में क्लिक करूंगा, एंड इस वाले में मैगेंटा कलर फिल करूंगा दोस्तों। कौन सा, मैगेंटा। एंड इसमें भी मैं क्या करूंगा, मैगेंटा ही फिल करूंगा। दो में मैंने मैगेंटा फिल किया, और इस वाले नोड में मैं रेड कलर फिल करूंगा दोस्तों, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे। एंड इस वाले में भी मैं रेड ही फिल करूंगा। ओके, दो मैगेंटा दो रेड हो गया। अब इस वाले में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ही फिल होगा, ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही फिल कर दो। क्लिक करने के बाद ही इसमें मैं ऑरेंज फिल करूंगा। तो चलिए मैंने ऑरेंज को लिया, ऑरेंज फिल करना है। अब इस वाले में आपको कौन सा दोस्तों, येलो फिल करना है, मैंने येलो फिल कर दिया। इस वाले में आपको रेड फिल करना है, एंड जो सेंटर का है सेंटर में क्लिक करके इसमें रेड ही फिल कर दीजिए। तो आप जैसे कि अब स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा डिजाइन हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, लीजिए पिक टूल को। अब इसी के ऊपर आपको जो मैंने यहाँ पर जो आपने कॉपी बनाया था, इसी को इसके ऊपर आपको रख देना है दोस्तों, मतलब एकदम ऊपर ही रखना है, ऐसे रख देना है। अब करना क्या है, इसको आपको छोटा करना है, तो शिफ्ट के साथ हम इसको छोटा करेंगे। तो शिफ्ट को दबा के इसके नोड में जाके क्लिक एंड ड्रैग करेंगे दोस्तों अंदर की ओर, कुछ इतने में आपको क्लिक करके छोड़ देना है। तो देखिए इतने में आपका बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें करना क्या है कि इसकी जो आउटलाइन है, इसका जो कलर है आपको वाइट कर देना है। तो वाइट करने के लिए जहाँ पर ये वाइट कलर है, इसमें राइट माउस क्लिक कर दीजिए, तो उसकी आउटलाइन कलर हो जाएगी। और यहाँ से करना क्या है कि इसकी जो विड्थ है आपको यहाँ से 8 कर देना है। 8 नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप 10 लिखिए दोस्तों और इंटर कर दीजिए, तो मतलब थोड़ी और विड्थ अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद आपको एक LF से लेना दोस्तों, एंड कंट्रोल के साथ आपको कुछ इसको इतना कर लेना है दोस्तों, एंड पिक टूल को लेके इसके अंदर आपको इसको रख देना है। ओके, एंड इसमें भी आपको वाइट कलर फिल करना है, मैंने वाइट किया। एंड इसकी जो आउटलाइन है, यहाँ पर चल के मैं इसको 8 कर दूंगा, मिलीमीटर 8 हो गया। एंड इसी के बाद मैं एक और छोटा सा एलिप्स बनाऊंगा, छोटा सा कंट्रोल के साथ दोस्तों। एंड इसके बाद पिक टूल को लेके मैं इसको यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, ये यहाँ पर, और इसमें वाइट कलर फिल कर दूंगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद इसमें हमको नोटिफिकेशन बनाना है, तो इसी वाले टूल को मैं उठा के यहाँ पर रख दूँगा, इस शेप को,
क्लिक एंड राइट माउस तो डुप्लीकेट बन जाएगा। एंड इसमें कलर फिल करना है आपको रेड, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों कलर फिल कर दीजिए क्लिक, तो कलर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमको टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से मैं लूँगा टेक्स्ट टूल एंड कहीं भी क्लिक करके सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम लिखता हूँ दोस्तों, इंस्टाग्राम लिखा, फिर से कहीं पर क्लिक करके मैं टू लिख दूंगा, मतलब जो नोटिफिकेशन के लिए 2, 2, 3, 4 योर विश। एंड इतना करने के बाद इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए एंड इसका जो कलर है वाइट कर दीजिए एंड इसको बोल्ड कर दीजिए तो कुछ अच्छा लगने लगेगा। एंड इसको भी क्लिक करके इसको भी नोट से बड़ा कर लीजिए कुछ इतने में एंड इसको उठा के इसके नीचे रख दीजिए दोस्तों। ओ माय गॉड बहुत ऊपर चला गया, तो यहाँ से इसको हम सेंटर में, इस तरह इसको हम सेंटर में रख लेते हैं दोस्तों इतने में। एंड जो हमारा ये टेक्स्ट है थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं एंड बड़ा करने के बाद इसका जो फॉन्ट है मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, थोड़ा अच्छा सा लूँगा फॉन्ट जो काफ़ी अच्छा होगा और मज़ेदार होगा। एंड इसको मैं कलर में कर देता हूँ रेड ब्लैक ब्लैक दोस्तों ब्लैक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट बन चुका है। तो इसके बाद करना क्या है, कंट्रोल ए करना है एंड कंट्रोल जी कर देना दोस्तों, तो ग्रुप में हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जाके एक और टूल लेना है जिसका नाम है ड्रॉप शैडो टूल, क्लिक करिए एंड इसमें आपको ड्रॉप शैडो लगा देना है तो कुछ और मतलब और इसमें इफेक्टिव लगने लगेगा। अब इतना कर देना है और इतने में आपका जो इंस्टा का लोगो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है पिक्चर के रूप में, तब क्या करिएगा क्लिक करिए एंड फाइल में जाके एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस में क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके करके देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ओके कर दीजिए एंड ओके यहाँ पर नाम दीजिए, मैं नाम दिया कुछ भी और डेस्कटॉप में सेव कर दिया। अब देखिएगा इसको मैं जब ओपन करूँगा ये देखिए सेव हो चुका है पिक्चर के रूप में दोस्तों। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ओपन करके दिखा भी दिया, तो इस तरह दोस्तों आप इंस्टा का लोगो बना सकते हैं बेहतर तरीके से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टेक केयर दोस्तों।